ऑल राइट दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस वैम गेमर के एक और नई वीडियो में। तो कैसी है, कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अटोर्नोस का सर्वर बना सकते हो, यानी कि आप एक ऐसा सर्वर बना सकते हो जिसमें पीसी प्लेयर्स भी खेल सकते हो और मोबाइल प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। ज्यादा मैं एकदम मतलब बकवास नहीं करने वाला हूँ, सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो चलो सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लेना। तो चलो सबसे पहले आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपको अगर आपको पीसी और मोबाइल दोनों के लिए बनाना है तो आपको जावा एडिशन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर क्रिएट पे दबाना है। तो देखो मेरा क्रिएट हो रहा है, फिर देखो सर्वर तो अपना नॉर्मली क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जाना है यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में जाना है। चलो सॉफ्टवेयर में आ गए, चलो सॉफ्टवेयर में आ गए। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर दिखा होगा पेपर बकेट। तो आप प्लगइन्स के लिए ये स्पेशली प्लगइन्स के लिए, तो आपको पेपर बकेट के ऊपर जाना है। तो मैं आ गया, तो आपको देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे वर्जन है, तो आपको यहाँ पर कौन सा भी वर्जन के ऊपर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 1.20 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसके ऊपर ही जाऊँगा। आप चाहिए तो किसी पर भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल से इंस्टॉल का बटन दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। तो देख सकते हो सिंपल से इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, अभी आपको और भी काम करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे आया होगा प्लगइन्स का ऑप्शन आ चुका होगा, जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे प्लगइन का ऑप्शन आ चुका है, तो इसके ऊपर जाना है। ओके तो चलो यहाँ पर जैसे जैसे मैं प्लगइन डाल रहा हूँ आपको भी सेम इसी तरह प्लगइन डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है विया वर्जन, VIA वर्जन। देख सकते हैं यहाँ पर विया वर्जन आया होगा, दो आया होगा यहाँ पर दो। तो आपको क्या करना है, दोनों को इंस्टॉल करना है विया वर्जन। तो चलो मैं फटाक से इंस्टॉल करता हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपका सर्वर पुराना है तो जो न्यू वर्जन का प्लेयर है वो भी सर्वर को आपके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो इसको मैं डाल दिया, अभी सेकेंड नंबर के विया वर्जन दूसरा वाला इसको भी डाल दूंगा। तो चलो जल्दी से इसको भी डाल देता हूँ। ओके तो डल चुका है। तो सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा विया बैकयार्ड, VIA बैकवर्ड। सिंपली से मैं इतना सा भी टाइप कर दूंगा आ जाएगा, देखो आ चुका है। तो अब यहाँ पर जितनी आ रहे हैं तो मैं तीनों को इंस्टॉल करूँगा। तो जल्दी से आता है, आ जाते हैं इसके ऊपर। तो चलो जल्दी से इंस्टॉल मार देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर कोई जूना वर्जन का प्लेयर भी होगा ना तो वो भी सर्वर को ज्वाइन कर सकता है। तो चलो बाहर चलते हैं और बाकियों को भी इंस्टॉल मारते हैं फटाक से। तो चलो इसको भी हम इंस्टॉल मारते हैं। चलो हो गया, अभी लास्ट वाला बचा है विया बैकयार्ड्स वाला, तो इसको भी अपन इंस्टॉल मारते हैं। चलो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। और अपना मेन, सबसे ज़्यादा मेन बचा है वो है गीज़र MC, GEYSER, गीज़र MC। अगर ये नहीं डालोगे तो पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर्स आपके पास, आपके सर्वर में नहीं आ पाएंगे, यानी कि मोबाइल प्लेयर्स तो आपके सर्वर को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसको डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इसको भी मैं डाल सकता हूँ, ये ज़रा टाइम लेगा मेरे को लगता है। हाँ चलो डल चुका है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये नहीं डालोगे तो आपके सर्वर में पॉकेट एडिशन प्लेयर्स आ ही नहीं पाएंगे, तो ये मैं नहीं, तो इसको ज़रूर से डालना। ओके तो मैं आपको और भी ज़्यादा प्लगइन्स बता देता हूँ, क्योंकि ये भी सर्वर में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आपको सर्च करना वन प्लेयर स्लिप डालना है। देख सकते हैं यहाँ पर वन प्लेयर स्लिप आया है, तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट करके डाल सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपके सर्वर में एक भी बंदा सोएगा ना तो फटाक से दिन हो जाएगा, मतलब पूरे लोगों को सोने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा भी सो जाएगा। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा कि एक प्लेयर भी सो जाता है तो दिन हो जाता है, तो यहाँ पर भी इस प्लगइन का वही काम है। तो ये डाल दोगे तो आपको सोने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा सो जाएगा दिन हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ओके तो गाइस नेक्स्ट हमारा प्लगइन है क्लियर लैग। तो आपको सिंपली से सर्च करना है CLEAR क्लियर LAG लैग। तो सिंपली से पहले नंबर पे जो प्लगइन आ रहा है इसको सिंपली से आपको इंस्टॉल कर देना है, मतलब डाल देना है सर्वर के अंदर। इससे क्या होगा, आपके सर्वर में जितने भी लैग है उसको क्लियर कर देगा, यानी कि जितने भी अगर आपने कोई आइटम को ड्रॉप किया है तो अगर आपको उसकी नीड नहीं है और वो खाली पीले सर्वर में ऐसे ही पड़ा है और लैग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक मिनट के अंदर उस आइटम को रिमूव कर देगा आपके सर्वर से, जिससे आपके सर्वर का लैग कम हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल ज़रूर से करना है यार, बहुत ही ज़्यादा काम आता है, मैंने यूज़ किया है इसको, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ओके
तो गाइस यही थे अपने सर्वर के कुछ प्लगइन्स जो कि मैंने आपको बताए। तो गाइस ये थे कुछ सर्वर्स के प्लगइन, और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपके सर्वर में मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर दोनों ही एक साथ खेल पाएंगे। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली थी, मेरे को पहले से बता दी। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।